सो हेलो गाइस एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग ऑफ नोवा ब्लॉग। सो आज के ब्लॉग का इंतजार तो भाई हमारे दर्शन भाई को कब से था भाई? भाई बहुत टाइम से भाई, बहुत टाइम से था। और आपको पिछले व्लॉग में तो मैंने दिखाया रहेगा कि हमारा X3 किट आ गया था, तो ये देखो X3 किट आ गया है। पर फाइनली आज हमारा X3 किट पेंट होने जा रहा है। तो हमको यहाँ से जाना है अजीत भाई के यहाँ पे, जो कि आयरोली में जाना है हमको अजीत भाई के पास। तो वहाँ पे विली की भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे और हमारी गाड़ी का जो X3 किट है वो भी पेंट हो जाएगा। मतलब आज आपको X3 किट के साथ हमारी नोवा का लुक देखने मिलेगा और उसके कल या परसों बाद हम ग्राफिक्स कराने जाएंगे हमारी गाड़ी में, फिर उसके बाद हमारी गाड़ी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ देखो हमारे दर्शन भाई को देखो भाई, इसमें क्या है ना, फैट कम है और मेरे में फैट ज्यादा है, इसीलिए मेरी भी बन जाती अब तक इतनी। तो हमारे दर्शन भाई का भी यूट्यूब चैनल है, तो यूट्यूब चैनल बता दो भाई। DU Vlogs, DYOU और फिर व्लॉग्स, वरना खाली डी और यू लिख दे तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो आपको जितने भी बिहाइंड द सीन है वो सब इसके व्लॉग में देखने मिलेगा। मेरे जो बिहाइंड द सीन है, कितनी मेहनत लगती है, कैसे शूट करते हैं हम लोग रील्स वगैरह, ये सब जितने भी कॉन्टेंट है कैसे बनाते हैं, तो ये सब आपको इसके व्लॉग में देखने मिलेगा। तो जरूर से भाई को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी क्या, अभी डायरेक्ट GoPro वाले सेटअप पे मिलते हैं और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मैं तो सोच रहा हूँ कि हमारी गाड़ी कैसी लगेगी भाई पूरी कंप्लीट होने के बाद। नजर नहीं हटेगी, नजर नहीं हटेगी। और वन इन इंडिया बनाने वाले, बहुत ज्यादा मजा आएगा, बने रहो व्लॉग में। तो गाइस अभी हमारे यहाँ से हम लोग निकल गए हैं मैं और दर्शन, और सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि X3 किट और काउल तो आपने देखा बॉक्स में आए बड़े वाले, तो दर्शन पीछे बॉक्स लेके बैठा है। तो हमको आयरोली तरह ऐसे ही जाना है, तो समझ रहे हो ना, उसको भी बैठने को कंफर्टेबल नहीं हो रहा और मेरे को भी राइड करने को कम्फर्टेबल नहीं हो रहा, तो एकदम स्लो ही जाना पड़ेगा, एकदम 50-60 के स्पीड में पहुँचना पड़ेगा। पर अच्छी बात यह है कि दोपहर का टाइम है तो ज़्यादा भीड़ है नहीं यहाँ पर, वरना यहाँ पर यही रोड पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है अगर आप 4-5 बजे आ जाओ तो। पर अभी ठीक है, दोपहर का टाइम है, फटाफट निकल जाएंगे। पर इससे भी बड़ा चैलेंज हमको ये है कि भाई आयरोली में रहता है टोल नाका, और टोल नाके पे भाई पुलिस वाले खड़े रहते हैं नाकाबंदी लगा के, तो उधर वहाँ पे मतलब समझ रहे हो ना, पकड़ते और डर लगता है मेरे को। बस वही आयरोली जाता हूँ ना तो बस मेरे को वो टोल नाके का ही डर लगता है और किसी चीज़ का डर नहीं लगता। तो लेट्स सी, आज अगर अपने को पकड़ेंगे तो आपको तो टाइटल और थंबनेल में तो दिख ही जाएगा। बाकी अभी हम लोग पहुंच गए हैं पवई में। ऐसे देखना जाए तो आयरोली पहुंचने में भी इतना ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं, पर ये तो हमको पवई में ट्रैफिक मिलती है इसीलिए हम लोग को आयरोली पहुंचने को टाइम ज़्यादा है। ओहो भाई दबा दिया क्या, तो खुला रोड थोड़ा खींचते हैं। ज़्यादा नहीं खींचेंगे क्योंकि हमारे दर्शन भाई बॉक्स छोड़ दिए, तो X3 किट आता है भाई एक हफ्ते बाद, और आपको तो पता ही है पीछे से गाड़ी आती है, बॉक्स अगर नीचे गिरा तो पीछे वाला कोई कार वाला या फिर कोई रिक्शा वाला या फिर कोई स्कूटी वाला उसके ऊपर चढ़ा देगा और हमारा X3 किट टूट जाएगा, और जो कि मैं नहीं चाहता। तो थोड़ा स्लो ही चलेंगे। आ गया जी हमारा प्यारा पवई, और यहाँ से थोड़ी थोड़ी ट्रैफिक भी मिलना चालू हो गई है हमको, थोड़ी थोड़ी है। और मेट्रो के कंस्ट्रक्शन का काम भी एकदम जोरों शोरों से चल ही रहा है, ये देखो ना पूरा पवई का व्यू ढक लिया, तो भी थोड़ा बहुत दिख रहा है यहाँ से, ये देख लो। हमारा जो X3 किट है वो आज ही पेंट हो जाएगा और आज ही लग के मिल जाएगा अपने को अजीत भाई की शॉप पे। तो अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ पेंट वेंट का काम कराना रहेगा तो अजीत भाई का कॉन्टेक्ट मैं दे दूंगा, उनके शॉप का नाम भी बता दूंगा। अभी तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ तो परफेक्टली आपको शॉप भी बता दूंगा कि किधर है। आयरोली जो टोल नाका आता है उसके बाद सीधे जाना है, और उसके बाद सीधे जाके आयरोली आएगा, सर्कल आएगा, सर्कल से यू टर्न मार के लेफ्ट लेना है। वो सब आपको मैं ब्लॉग में दिखाऊंगा अभी, ताकि आपको भी कराना हो, दुकान में जाना हो तो आप भी देख सकते हो। आ गए जी मेन वाले हाईवे पे, और थोड़ी देर बाद जो अभी हमको खींचने मिलने वाला है ना भाई, क्या बात है। ऐसे बड़े हाईवे रहते ना यार, उसमें ही भगाने का मजा आता है, ये देखो क्या बात है। 100 100 100 100, बस अभी यहाँ से सीधा जाना है, जो पहला हाईवे आएगा वो हमको नीचे उतर जाना है और राइट मार लेना है, तो आ जाएगा हमारा आयरोली। आ गया है जी टोल नाका, बस भगवान इधर बचा ले यार। ओ
चलो अच्छी बात है, कोई दिख रहा तो नहीं है। हाँ कोई नहीं है, अच्छी बात है। पास हो गए, सक्सेसफुली पास हो गए। और अभी आएगा यहाँ पे प्यारा सा ब्रिज, प्यारा सा ब्रिज तो आ गया है पर पानी पूरा सूख गया है भाई। झाड़ उग गए ये लोग, इतने बड़े बड़े झाड़, पानी कैसे सूख गया मैं तो ये सोच रहा हूँ। ये हाईवे पे तो खींचने का भी अलग मजा आता है भाई। तो बस आपने देखा, अभी हमने आयरोली के लिए राइट लिया, टोल क्रॉस करके फिर वो ब्रिज आया, ब्रिज आया, ब्रिज आके सीधा सीधा आना है। और फिर आपको परफेक्टली बताता हूँ कि हमको जाना कहाँ पे। ये एंटर हो गए हम आयरोली में और अभी आएगा सर्कल। ये आ गया जी सर्कल, सर्कल से लेना है यू टर्न, यू टर्न मार के सीधा सीधा आना है। फिर जो ये एंडिंग वाला लेफ्ट है ना भाई, यही मार लेना है, ये एंडिंग वाला लेफ्ट मारा। बस अभी सीधा सीधा चलते रहो, आपको दिखाते हैं AR कस्टम्स। नवी मुंबई की ये बात खासियत है भाई, यहाँ के रोड बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चौड़े चौड़े रहते हैं, मज़ा आ जाता है भाई यहाँ के रोडों पे। और हमारे यहाँ के रोड एकदम कंजस्टेड रहते हैं। तो ये रही हमारे अजीत भाई की दुकान, और ये रहे हमारे अजीत भाई। क्या बात है, टॉम एंड जेरी। तोहफा दो इनको, तोहफा दो। तो वीर दम बढ़िया। तो ये रहा भाई अजीत भाई का तोहफा। तोहफे में बहुत बड़ा तोहफा दिया, ये डायरेक्ट पेंट करने का। हाँ, ये और ये एक्सरे किट दोनों। गाइस देखा रहेगा आपने, हम अजीत भाई के यहाँ पे आ गए और हमने हमारा एक क्रिकेट और कावल भी पेंट करने दे दिया। तो ये अंकल ने पेंट भी कर दिया है देखो, तो ऐसा कुछ लग रहा है अपना एक क्रिकेट काउल, क्या प्यारा लग रहा है भाई। और ये जब हमारी नोवा में लगेगा तो क्या ही लगेगा। अरे भाई बोलती बंद हो जाएगी, अरे कीडी भाई। और उसके बाद ग्राफिक्स होएंगे, स्टिकरिंग होएगी उसके बाद, और फिर तो भाई गाड़ी बोलते नजर नहीं हटने वाली यार किसी की गाड़ी पे से। क्या मस्त लग रही है। चलो अभी इसको सूखने देते हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी पे इंस्टॉल करेंगे। बचना अपन ने नाश्ता करते हैं। हाँ तो गाइस आपने देखा रहेगा, दोपहर से हो गई शाम, शाम से हो गई एकदम रात, और रात को हमारी पूरी काली गाड़ी एकदम रेडी हो गई है, ब्लैक ब्लैक मैट और ग्लॉसी ब्लैक। तो ये देखो कैसा लग रहा है आपको। मेरे को तो बहुत कुछ बोलना लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा लगेगा ना भाई, कितना टाइम लगा है हमको पर काम अच्छा है। देखो तो आपको भी कराना रहेगा ARC कस्टम, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमारे नोआ भाई ने, नोआ इनका भी नाम नोआ ही है, तो इन्होंने बहुत मदद की भाई एक्सरी किट लगाने के लिए। ना लगता है ना कि मॉडिफिकेशन आसान होती है, उतना ही मुश्किल रहता है, क्योंकि उसके नट के लिए हम लोग कितना भागे ना हमको ही पता है, 2 किलोमीटर दूर भागे वो नट के लिए, फिर उसमें होल भी कराना पड़ा, सब कुछ मतलब मगज मारी है। और अभी मैं सर्विस भी कराने जाऊंगा ना, तो उधर मेरे को फ्यूल पंप निकालना रहेगा, तो पूरा टैंक निकालना पड़ेगा, ग्राफिक निकालनी पड़ेगी, तो उसमें डैमेज भी बहुत सारे होते हैं। तो मॉडिफिकेशन के एडवांटेजेस भी होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, पर ठीक है लुक्स के आगे सब कुछ ठीक है। चलो मैम शुक्रिया, बाय ब्रो, बाय। चलो चलो बाय, चलो अजीत भाई, मिलता हूँ कुछ रहेगा तो।